आज हम पनीर टिकोड़ा बनाएंगे। ये बहुत इजी रेसिपी है। इसके लिए हमें चाहिए मैदा, चाहिए पनीर और पानी चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए नमक, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और ये जीरा पाउडर और गरम मसाला और ये तेल। अब हम पनीर टिकोड़ा बनाना शुरू करेंगे। ये हमने पनीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है। अब हम घोल तैयार करेंगे। ये मैदा है, ये इस पे नमक स्वाद अनुसार डाल रहे हैं। ये नमक हो गया। अब ये हल्दी डालेंगे, ये लाल मिर्च पाउडर, ये डाला हमने जीरा पाउडर, ये हमने डाला गरम मसाला। अब हम इस में पानी मिलाएंगे और इसका घोल तैयार करेंगे थोड़ा थोड़ा कर। ये हमारा घोल तैयार है। अब इसमें पनीर डालेंगे। अब ये हमने पनीर डाल दिया। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे और फिर ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे तवे पे तेल डालेंगे और इसे पकाएंगे। ये हमने तवा चढ़ा दिया है। अब इस पे ये रिफाइंड डालेंगे, रिफाइंड ऑयल डालेंगे। ये गरम हो गया है। अब इसमें हम ये पनीर जो हमने ये बैटर में डुबा के रखा था इसको हम डालेंगे इसमें। ये हमारा पनीर टिकोड़ा देखिए डाल दिया है, ये बन रहा है। इसको अब धीरे धीरे पलट लेंगे। इस सभी को पलट लेंगे और फिर तैयार हो गया है पनीर टिकोड़ा। और इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में। देखिए अब हम इसको अच्छे से निकाल लेंगे। ये हमने अच्छे से निकाल लिया इसको। ये हमारा पनीर टिकोड़ा देखिए तैयार है। अब इसमें हम ये चाट मसाला डालेंगे। बहुत स्वादिष्ट बना है पनीर टिकोड़ा। आशा है आप भी इसे बनाएंगे और इसके पनीर टिकोड़ा का आनंद लेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज हम गुलगुले बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए ये आटा, ये हमने दूध लिया है, ये हमने चीनी लिया है। अब हम ये आटे में ये दूध मिलाएंगे, अच्छे से दूध मिलाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। और इसमें हमने थोड़ा सा गुड़ भी मिला दिया है और ये चीनी मिलाएंगे। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। दूध डाल देंगे, इसमें थोड़ा सा हमने गुड़ भी डाल दिया है और चीनी डाल दिया है। इसको अच्छे से बैटर तैयार कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा बैटर पूरा तैयार है। इसमें हमने आटा लिया है और थोड़ा सा गुड़ लिया है और चीनी डाला है। और अब हम इसमें ये थोड़ा सा सौंफ डालेंगे। ये सौंफ डाल दिया है और ये हमने इलायची थोड़ी कूट के रखी है, इलायची डालेंगे। इससे अच्छा फ्लेवर आता है। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे, बाद में इसको बनाएंगे। हमने कढ़ाई
कढ़ाई हमने चढ़ा दी है और इसमें ये तेल डाल देंगे, डीप फ्राई करेंगे। ये गुलगुले का बैटर तैयार है हमारा और ये चढ़ा दी है। अब ये देखिए हमारा तेल गरम हो चुका है और इसमें डाल देंगे। ऐसे गोल गोल अच्छा से बन जाएंगे। देखिए ये देखिए हल्का ब्राउन तक होने तक इसको ऐसे पकाना है। ये हमारे अच्छे से तैयार हो गए। देखिए अब इसमें बन गए। हाँ ये देखिए हमारे गुलगुले तैयार हो गए हैं। ये देखिए कितना अच्छा बना है। बहुत हेल्दी है, इसमें गुड़ है, आटा है, दूध है और आशा है आप इसे अवश्य बनाएंगे।